ये हैं टेस्टी छोले भटूरे, और इनके साथ रंग जमा रही हैं हरी चटनी और इमली चटनी। और आज है स्पेशल फुल थाली पार्टी हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए। नमस्कार दोस्त, मैं हूँ गुड़िया। cookingexam.in पर आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम कम तेल मसालों को यूज करके छोले बनाएंगे, और छोले हैं तो भटूरे तो बनेंगे ही, तो देर किस बात की। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पीला मटर और यहाँ पर मैंने लिया है काबुली चना, इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आधी आधी क्वांटिटी में, लगभग ये 1 कप के बराबर है। और इसको हम रात भर सोख करके रख देंगे, और उसके बाद इसको हम बॉईल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक कुकर लेंगे, कुकर में इसको सबको डाल दीजिए, पानी जितना चाहिए हो। यहाँ पर हमने लगभग 2 गिलास के आसपास पानी डाला है, और इसको हम बिना सोडे के 7 सीटी तक आने तक पका लेंगे। 7 सीटी तक में ये अच्छे से पक जाता है बिना सोडे के। और यहाँ पर ये 3 लोगों के लिए क्वांटिटी इनफ होती है। इधर हम तैयारी कर रहे हैं अपने मसालों की, उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे टमाटर, प्याज और अदरक। ये 3 चीज़ों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अगर आप बात करिए लहसुन और मिर्च को, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो इसका पेस्ट बना लीजिएगा। हर एक चीज़ का अपना फ्लेवर है, इसी वजह से यहाँ पर आज मैंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। और यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारे पास पुदीना, धनिया पत्ती, एक मिर्च और एक टमाटर, और यहीं पर हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे इमली का गूदा और थोड़ा सा नमक। इन सबको मिक्स करके हम बना लेंगे इसकी चटनी, और फिर इसको आप छोले भटूरे के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, ये देखिए हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, जो मटर है, जो काबुली चना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, 7 सीटी में रेडी है। और इसके बाद हम इसको तड़का देंगे, तो तड़का देने के लिए मैंने लिया है काली मिर्च, और ये है हमारे पास लौंग। सारे मसाले थोड़े ही थोड़े मैंने रखे हैं। ये है एक इलायची, बड़ी इलायची है ये, और यहाँ पर ये है छोटी इलायची, और ये है तेज पत्ता। इन सबको हम डाल देंगे। ये है सरसों का तेल, सरसों के तेल का अपना टेस्ट होता है, रिफाइंड का अपना टेस्ट होता है। और सारे मसाले और अदरक और प्याज, इन सबको मैंने एक साथ डाल दिया है, और अच्छे से इसको हम भून लेंगे यहाँ पर। कभी कभी आप इसको इस तरीके से सिंपल बनाकर देखिए, थोड़े से मसाले कम कर दीजिए, कभी कुछ हटा दीजिए, तो इस तरीके से आप नए नए फ्लेवर दे पाते हैं। और देखिए जैसे ही हमारा प्याज भुन गया, वैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। कद्दूकस का अपना टेस्ट है, पीस के बनाने का अपना टेस्ट है। और यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट से रखें। और फिर इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी का पाउडर। यहीं पर हम सब कुछ डाल देंगे जिससे कि अच्छे से ये भुन जाए। और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे छोला मसाला। आपके पास अगर ना अवेलेबल हो तो आप इसकी जगह पे सब्जी मसाला डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर दीजिए, एक नया टेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही हमारे मसाले रेडी हो जाए, तो हम यहाँ पर डालेंगे अपने उबले हुए चने और मटर को, और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा रखी है, पानी की क्वांटिटी हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे और फुल फ्लेम में पकाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा कम रखें, लो फ्लेम पर पका दें, ये जैसा आप चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से एक बार छोले बना कर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए फुल फ्लेम में पक रहा है, तो ये इस तरीके से पक रहा है। और यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा अदरक और लहसुन और मिर्च का पेस्ट, और ये देखिए अब लगभग ये पानी हाफ हो चुका है, तो इसको हम फिर से लो फ्लेम पर पकाएंगे। और इधर हम तैयारी करते हैं अपनी भटूरों की। तो भटूरे के लिए सबसे मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा आधा चम्मच सोडा, और ये है 1 चम्मच सूजी। और अगर आप बात करिए मैदे की, तो मैदे की क्वांटिटी यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप, थोड़ा सा दही। याद रखिएगा इसको हमें पानी डाल डाल कर गूंदना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 1 कप में आपको 1 चम्मच से ज़्यादा आपको सूजी या यूज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 7 से 8 घंटे के लिए मैंने आटे को रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये फर्मेंट हो गया है। 7 से 8 घंटे रखेंगे तो जो आपके भटूरे बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, खिंचते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो जब तक भटूरे में खिंचने वाला गुड़ ना आए, तब तक वो भटूरा भटूरा नहीं होता, बेकार होता है। तो इस वजह से इस तरीके से इसको खिंचाव ज़रूर दीजिएगा, 6 से 7 घंटे ज़रूर रखिएगा। इनो वगैरह लोग डालते हैं, बट इनो
मुझे नहीं लगता वो फ्लेवर अच्छा देता है, तो उसे हो सके तो अवॉइड कर लीजिए। और यहाँ पर हम आपको लोइयां बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर आप इसको बेल भी सकते हैं और आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, ये इतना गीला है। और अगर आप बात करिए होटल की, तो होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं इसको और लिक्विडी बनाते हैं और इसको हाथ से ही वो बना लेते हैं, वो तो हैबिचुअल होते हैं, वो डेली डेली बनाते हैं। तो इसको आप हाथ से अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और गीला कर लीजिए, और अगर आप बेलना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर लीजिए, हल्का सा टाइट ही रखिए। और बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती, बशर्ते आप ऑयल लगा के बेलिएगा, ऑयल लगाते जाइए, ये रिफाइंड ऑयल लगाइएगा, और पैथन वगैरह में बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता। आप इस तरीके से इसको बना के बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये थिकनेस होनी चाहिए। इसे परफेक्ट हमारे बनते हैं। आपको गोल बनाना है गोल बनाइए, ओवल बनाना है ओवल। इधर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लगभग जो हमारा छोला है रेडी हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा मैश कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा इसको अच्छा फुल फ्लेम पर बनाना होता है भटूरा, अच्छे गरम तेल में। जब खूब अच्छा गरम हो जाए तब आप अपने भटूरे को डालिए और दबाते जाइए, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको दबाते जाइए, बन जाएंगे और आराम से फुल जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी होती है। और सबसे जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात होती है, दबाते रहना है आपको, दबाते रहेंगे तो आराम से फुल जाती है। और कलछुल से हो सके तो आप तेल डालिए, अगर आपने कभी बाहर देखा हो तो कोई और कलछुल ले लीजिए, उसे इसके ऊपर जल तरह का चढ़ाते रहिए, जैसे आप भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमारा एक भटूरा रेडी है, चलिए हम दूसरे भटूरे को बनाते हैं। तो इसी तरीके से फुल फ्लेम पर आप इकट्ठा सारे भटूरों को अच्छे से बेल के रख लीजिए 5 से 6, उसके बाद फुल फ्लेम पर सबको पका लीजिए, फिर 5 से 6 बेल के रख लीजिए, फिर आप फुल फ्लेम पर ऐसे ही पका लीजिए। तो इस तरीके से आप फुल फ्लेम पर ही पकाएंगे और दबाते जाएंगे, तो आपके भटूरे कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे फूलने में। और सॉफ्ट करने के लिए मैंने बताया, आप इसको 6 से 7 घंटे तक रखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो हमारा छोला है बिल्कुल रेडी है। कैसे पता, आप देख सकते हैं, एक ही चम्मच मैंने ऑयल डाला था, लेकिन वो सब कुछ आप कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो हमारा छोला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पुदीना, दोनों को डाला है मैंने, एक नया फ्लेवर बन के आता है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको अब सर्व करके दिखा रहे हैं, ये आपके लिए है, ये आपका फुल थाली पार्टी है। तो इसके लिए मैंने सर्व किया है छोले, हरी चटनी, इमली चटनी, और ये है हमारे टेस्टी सॉफ्ट भटूरे। तो एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। और मुझे तो बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है इस थाली को देख के, आप भी बताइएगा भूख लगी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए, फुल थाली पार्टी अभी तो शुरू हो गई है। और यहाँ पर चलिए हम आपको इसकी टेस्टिंग करवाते हैं थोड़ी सी, कैसी बनी है। आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखकर बहुत ही टेस्टी छोले और भटूरे बना सकते हैं। इमली की चटनी को देखने के लिए आप हमारे चटनी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट cookingexam.in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। और आप देखिए, हम आपको टेस्टिंग करवा रहे हैं, ये है भटूरे, भटूरे को देखिए कितना सॉफ्ट है, ब्रेड वाला टेक्सचर है यहाँ पर, तो ऐसे ही सॉफ्ट बनेंगे। 1 कप में 1 चम्मच सूजी से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा दही लेके गूंदना है और 6 से 7 घंटे रखना है। बहुत ही टेस्टी हमारे भटूरे बनकर तैयार होते हैं। सिंह आपके लिए ये हरी चटनी वाली बाइट है, बताइएगा कैसी बनी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं इमली के चटनी वाली बाइट। तो हरी चटनी वाली बाइट और इमली चटनी वाली बाइट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने सिंपल छोला आज आपको दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने पंजाबी छोले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मसालेदार छोले भी बनाकर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो इसे भी आप हमारे नाश्ते के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।